राम कण कण में है, ये बात पहले से काफी कही जाती है, कण कण में राम है। और राम का जो मतलब एक तरह से उनकी जो प्रेजेंस है वो अयोध्या के अंदर हमेशा से देखी जाती है। सीता माता ने भी आज अपने श्राप का त्याग किया है और आज अयोध्या में बहुत कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। हमने कई सौ सालों तक गुलामी की है, कई सौ सालों तक हमारे पर मुगल राज करके चले गए, अब नहीं होगा। अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा और मैं फिर जैसे कहा था कि हिंदू अपनी चीजें वापस लेगा। वहां पर आप जाते हुए आप मैं वहां जब लोगों से मिला तो मैंने देखा रोजगार तो असली मुसलमानों को मिला। उनका कहना है कि राम लला आएंगे तो हम लोगों का रोजगार बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। तो साल बीत रहा है और साल बीतने के साथ साथ मुद्दा देश का ये आखिरी एपिसोड है इस साल, लेकिन अगले साल भी हम लौटेंगे और देश की बात भी करेंगे और देश के मुद्दों को उठाएंगे। और फिलहाल आज हम बात करेंगे जो मुद्दे इस साल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहे हैं और साल बीतते बीतते जिसने अपना ध्यान खींचा। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बात हो रही है वो बात हो रही है राम मंदिर की, अयोध्या की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि नए साल की शुरुआत तो हर साल होती है, लेकिन नए युग की शुरुआत होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और अयोध्या के लिए साल बीतते बीतते और साल का प्रारंभ होते होते एक नए युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो अयोध्या कुछ महीनों में आप देखेंगे वो अयोध्या शायद ही आप में से किसी ने देखी हो, क्योंकि अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहे और यहाँ पर करोड़ों की स्वागत उन्होंने दी है, तो ये कहा जा सकता है कि अयोध्या नए युग की तरफ आगे बढ़ रही है। हरीश जी मेरे साथ मौजूद है, राम लला का आगमन हो रहा है, अयोध्या एक बार फिर से सज रही है, एक बार फिर से दिवाली हम मनाते हुए नजर आएंगे। जो तस्वीर आज नजर आ रही है अयोध्या की, क्या किसी ने कल्पना की होगी कि अयोध्या में जो माता सीता का श्राप था कि अयोध्या में कभी खुशी नजर नहीं आएगी, वो श्राप अब खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तस्वीर बहुत ही खुशहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, अयोध्या को लेके अगर बात करें तो राम की बात कहीं छुपी नहीं है। राम का मतलब पूरे हिंदू एक तरह से एक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि 2024 का आगाज होगा और पूरा देश एक तरफ होगा, वही शुरुआत आपको देखने को मिल रही होगी। आज अयोध्या के अंदर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दोनों का उद्घाटन हुआ, अयोध्या वैसे ही सज चुकी है। और सोचिए कि आज का दिन, हमने पहले भी कहा था कि दिसंबर लास्ट तक जाते जाते एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा देश के अंदर, और पूरा देश हिंदू एक तरफ होगा, 80% लोग एक तरफ होंगे और बाकी लोग एक तरफ होंगे। ये आपने बदलाव राजनीतिक भी देखा होगा, अयोध्या को लेके भी देखा होगा, और कई प्रकार से, चाहे प्रोग्रेसिव वे में देखें, कंस्ट्रक्शन वे में देखें, हर तरह से देश में एक अलग बदलाव आपको दिखाई दिया होगा। दूसरी चीज इलेक्शंस को लेके, जैसे हमने पहले भी बोला था कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। तो आप सोचिए कि मैंने पहले कहा था कि बीजेपी एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और दिसंबर तक आते आते गठबंधन भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये बात हमने पहले कह दी थी। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि आपकी भविष्यवाणी जो है वो सही होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो बीजेपी के लिए ये सुनहरा मौका, या ये मौका खुद बीजेपी लेकर आई है और बीजेपी को दिया है देश की आम जनता ने। जो तस्वीर आज अयोध्या में नजर आई वो तस्वीर शायद ही अयोध्या में कभी नजर आई हो। तो एक तरफ ये भी कहा जा सकता है हरीश जी कि ये बीजेपी की भी कहीं ना कहीं नई शुरुआत है। बिल्कुल, बीजेपी की शुरुआत है। बीजेपी के लिए मैं ये कहूँ कि देखो, इन्होंने जिन एजेंडों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, कई सालों से लड़ते आ रहे हैं, आडवाणी के टाइम से ये लोग अयोध्या की बात करते आए, तो इन्होंने आज पूरा करने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आ चुके हैं, 22 तारीख को आप उद्घाटन भी देखेंगे रामलला, जिस दिन देश में एक अलग प्रकार से दिवाली मनाई जाएगी। और मैं समझता हूँ ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा, 22 जनवरी का दिन। मतलब एक दिवाली जो होगी वो त्रेता युग की होगी और एक दिवाली जो होगी हमारे कलयुग की होगी। दोनों दिवालियाँ देखो बहुत अच्छे भव्य ढंग से मनाई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी जीत भी है और हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा एक तरह से उपहार भी है। बिल्कुल, और इसमें अगर राजनीति का जिक्र क्योंकि आपने किया, तो अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, वो भी समझ चुके हैं कि राम ना तो काल्पनिक थे, ना है और ना आगे रहेंगे। राम का अस्तित्व देश के रोम रोम में है और अयोध्या की रग रग में नजर आता है। इसीलिए तो
फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि राम एक के नहीं है, राम तो हर किसी के, राम हमारे मन में बसते हैं। आप सोचिए जो इस पर राजनीति करते थे आज राम नाम जप रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राम कण कण में है, ये बात पहले से कही जाती है, कण कण में राम है। और राम का जो मतलब एक तरह से उनकी जो प्रेजेंस है वो अयोध्या के अंदर हमेशा से देखी जाती है। राम के नाम पे आप जा सकते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी को लेके भी एक बार ही आपको याद होगा 1998 में, 1998 की बात है, 1998 में कुछ आतंकवादियों ने बम प्लांट कर दिया था। आपको याद होगा कि उसमें से एक वानर, छोटे से वानर ने वो डिफ्यूज़ किया, और डिफ्यूज़ करने के बाद बिल्कुल साधारण रूप से जाके वो मंदिर की चोटी पे जाकर बैठ गया और वहाँ से एक तरह से मैसेज दिया कि मैं हूँ ना। बिल्कुल, तो हनुमान जी ने अपना मैं हूँ ना वाला जो है वो उन्होंने दिखा दिया था। इसी प्रकार से अयोध्या के अंदर आप और जाएंगे तो वहाँ पर एक गाय जो बोला जाता है कि कामधेनु की वंशज है, वो आज भी राम के उसी प्रकार से रोज सुबह और शाम परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ वो एकादशी का व्रत रखती हैं। आप सबको जब जाएं तो आप जरूर देखिएगा, आप जरूर उनके चरण छू के आइएगा कि आपको शायद इस युग में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल सकता जो आज साक्षात्कार वहाँ पर है। तो एकादशी का व्रत रखती हैं, बाकायदा परिक्रमा करती हैं। और मैंने जब मैं वहाँ गया था 2017 के आसपास, मैं वहाँ गया था तो 2017 में मैंने खुद गाय के दर्शन किए थे। और गाय के दर्शन करने के बाद मेरे अंदर बड़े कुछ प्रश्न उठे कि क्या कामधेनु की अगर ये वंशज हैं तो इनके इस गाय के जो बच्चों के बच्चे सभी कामधेनु के वंशज हैं। पर मेरे को वहाँ के जो उनके सेवाकार थे उन्होंने मुझे समझाया कि गाय के अगर 5 बच्चे हुए हैं तो 5 में से एक बच्चा ही अपने इस कार्यक्रम को या इसको आगे लेके चलता है, तो उनमें से एक बच्चा ऐसा निकलता है। तो मतलब ये नहीं कि 5 के 5 बच्चों को वंशज के रूप में देखा जाता है। मतलब जैसे घर में भी होता है कि पंडित के फैमिली में कोई एक पंडिताई करता है या एक अपने प्रोफेशन में कहीं चला जाता है या ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है या जॉब में चला जाता है, वो अलग अलग प्रकार से, मगर अपने पिताजी की लेगेसी कोई ना कोई पंडित की वो लेके चलता है। इसी प्रकार से कामधेनु गाय की भी लेगेसी आज तक चली आ रही है। तो ये आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं जो वहाँ पर देखी जाती हैं। और उन लोगों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों ने एक खास योगदान रहा। देखिए, एक तो कार सेवक थे जिन्होंने, जो शहीद हुए, सीने पर गोली खाई रामलला के लिए, एक वो हैं जो आज दिन रात एक करके अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ पर पथ बन रहे हैं, एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, जो अयोध्या जंक्शन वहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, उनको भी सल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, बस राम नाम जपते हुए इतनी तेज़ी के साथ अयोध्या विकसित हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी ने सपना दिखाया और सुबह जब नींद से हम जागे तो सपना साक्षात्कार के साथ हमारे सामने खड़ा है, ऐसी तस्वीर आज अयोध्या की नजर आती है, जो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, मैं एक और वाक्य मैं आपको याद करा दूं। मैं जब गया था वहाँ पर तो मैं वाक्य मेरे मन में कई प्रश्न चल रहे थे उस टाइम पे। मैंने ये देखा कि यहाँ पर सीता माता का श्राप है, तो वाक्य में मुझे वो मायूसी सी पूरे शहर में नजर आई थी कि बिल्कुल कोई गरीबी, मायूसी, और मतलब जैसे होता है कि कहीं घूमने जाएं तो वहाँ पर जाके जैसे वहाँ के फूल पत्तियाँ भी कुछ कह रही है, तो वहाँ की एक मायूसी थी। आज ये चित्र देख के ऐसा लगता है कि जैसे श्राप का खत्म होने का टाइम आ गया है। माता सीता भी चाहती है कि उनके राम का मंदिर बने, उसमें वो बोलते ना हमारे जो हमारी परंपराएं हैं, महिलाएं कितना भी वो हो जाएं पर अपने परिवार के लिए वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों का त्याग करते हैं। इसी प्रकार से मुझे लगता है सीता माता ने भी आज अपने श्राप का त्याग किया है और आज अयोध्या में बहुत कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर आप क्या कर रहे हैं, इतने भव्य तरीके से राम मंदिर क्यों बनवाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ देश में होती है तो जितना लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको नापसंद भी करते हैं, और देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ एक मंदिर बनाने से। आप देखिए पहले वहां जाकर, जिन 15,700 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, वहां पर रोजगार के अवसर, देखिए 5-स्टार होटल जो वहां पर, अब जब आप धरती पर जाएंगे अयोध्या की, आप तो कह रहे हैं कि आप गए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि कोई ऐसा बड़ा वहाँ पर होटल आपको 5-सितारा होटल नहीं नजर आया होगा, छोटे छोटे ढाबे वो भी बहुत मुश्किल से चलते थे। और आज आप सोचिए वहाँ के लोग कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा उन्हें डेलीगेट्स मिल चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 5-सितारा होटल बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं पहले आपका एक प्रश्न, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि भाई मंदिर बनाने से क्या होगा,
ये वही लोग हैं जो वहाँ पर मस्जिद चाहते थे, ये वही लोग हैं जिनको इसकी राजनीति करनी थी या नहीं, मतलब जिस भी प्रकार से। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलूँ कि हम लोग जहाँ से, जहाँ हमारा जन्म होता है, हम जिसको जन्मभूमि बोलते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं से भी, जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला, मैं बोलता हूँ मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है, और मेरे मेरे दादा मेरे परदादा की कोई अगर एसेट्स हैं तो मैं चाहूँगा कि वो एसेट्स मेरी आगे तक मेरे मेरे परिवार में चले। तो ये हिंदुओं की एसेट है, बिल्कुल। और ये हिंदुओं ने अपने अपने अगर अपने वंशज का अगर कोई चीज़ बनाई है उसको आगे लेके चल रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है, हर कोई चाहता है। तो ये समझना होगा, ये मतलब इसको हर तरह से राजनीति का रूप देना कि क्या हो गया मंदिर बना, अरे भैया हिंदुओं की लेगेसी है, उसको लेके चलना है। और सीधी सी बात है कि ये हमारा था जिसको तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी चीज़ वापस चाहिए, अपने नाम वापस चाहिए। हमने कई सौ सालों तक गुलामी की है, कई सौ सालों तक हमारे पर मुगल राज करके चले गए, अब नहीं होगा, अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा। और मैं फिर जैसे कहा था कि हिंदू अपनी चीजें वापस लेगा, आज अयोध्या हुआ है, कल मथुरा भी होगा, बिल्कुल। ये पैटर्न चल रहा है, अब चलेगा, चलना भी चाहिए, नजर भी आ रही है, जो चीज हमारी थी वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा पूरा राइट है। और बहुत ही कानूनी तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है, और कानून संविधान के तहत हमें यह अधिकार मिल गया है, तो हम क्यों नहीं रामलला को पूजेंगे। लेकिन बार बार जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ कि मंदिर तो बन गया, ये तो एक आस्था की बात हो गई, लेकिन आप अगर इसे समझेंगे तो आप कितने रोजगार यहाँ पर मिलेंगे, वो शायद वो विजन वो लोग नहीं देख पा रहे हैं जो उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर। मैं इसमें काजोल एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मैं रोजगार का, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया इसमें, रोजगार कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अयोध्या में मंदिर के दर्शन के लिए जब जाते हैं, वहाँ फूलों की दुकानें किसकी हैं, मुसलमानों की। सबसे बड़ी बात वहाँ पर रामलला के पोशाक मुसलमान बनाते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर आप जाते हुए, आप, मैं वहाँ जब लोगों से मिला तो मैंने देखा रोजगार तो असली मुसलमानों को मिला। उनका कहना है कि रामलला आएंगे तो हम लोगों का रोजगार बढ़ेगा, मस्जिद में कोई नहीं आता, यहाँ रामलला के दर्शन करने आते हैं, उन्हीं फूलों से बेच के अपना रोजगार, अपना घर परिवार, अपने बच्चों की पढ़ाई सब इसी से करते हैं, तो हमारे लिए तो राम मंदिर ज्यादा जरूरी है। तो सोचिए कि वहाँ के लोग भी ये चाहते, चाहे वो मुसलमान है, वो भी ये चाहता था कि रामलला का मंदिर बने, उनका रोजगार आए, सबकी अपनी अपनी वो थी कि रामलला के प्रति। अब मुसलमानों ने, कईयों ने कहा है कि रामलला सबके हैं, तो ये विचार आना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को, मुसलमान को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं कि वो आके वहाँ जाके मत्था टेके या कुछ करे, पर उसके विचार कहीं ना कहीं हम तक पहुँच रहे हैं, हिंदुओं तक पहुँच रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि वो रामलला सबके हैं, बिल्कुल। और जैसा कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है कि मस्जिद को तोड़ा गया, हमारी मस्जिद, हम वापस आएंगे जब एक दौर खत्म हो जाएगा तो हम मंदिर तोड़ेंगे, ये सब मत करिए। देखिए, जहाँ जिसका जो हक था वो हक मिला है, और भी मस्जिद है क्या देश में, एक ही मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, इतने सारी मस्जिदें हैं, सारी तो नहीं तोड़ी गई। जहाँ पर हमारा हक था, जो सनातनियों का हक था, जो हिंदुओं का हक था, वो हक उन्हें मिला है। तो पर्यटन के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, हर लिहाज से अयोध्या जो है वो नई अयोध्या नजर आएगी। और क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही है हरीश जी कि जब राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार होगा ना, अभी तो फिर सिर्फ गर्भगृह बनकर तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन जब 3-4 महीने बाद जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, बताया जा रहा है कि एक दिन में करीब 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे, बिल्कुल। और श्रद्धालु पहुंचेंगे, दूसरी चीज उस जगह का विकास कितना होगा ये सोचने की, मतलब सोचिए कि अयोध्या के आसपास एयरपोर्ट आ चुका है, रेलवे स्टेशन अच्छा हो चुका है, 5-स्टार होटल्स आ रहे हैं वहाँ पर, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने, मतलब पूर्वांचल की तरफ के लोग, कितने लोग होटल्स में काम करेंगे वहाँ पर, ये सारी चीज़ें रोजगार से भी जुड़ी है। इसको एक तरफा मंदिर के रूप में नहीं देखना चाहिए, इससे कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और एयरपोर्ट भी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और उस तर्ज पर बनाया गया है कि शायद इंडिया में ऐसा एयरपोर्ट जो है ना आपको देखने के लिए ना मिले, तो सीधे कनेक्ट इसे विश्व से भी किया जा रहा है, ये बात भी तो समझिए, वैश्विक तौर पर भी कितना पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जी बिल्कुल, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि साल का अंत और साल की शुरुआत ही राम जी से हो रही है, तो इस पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो राजनीति का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि देश बिना राजनीति के तो दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बात लगातार हो रही है, कहा जा रहा है कि अब हम सीट शेयरिंग तय करेंगे, अब हम और मीटिंग करेंगे, 4 मीटिंग हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस एक गठबंधन के साथ भी है और अकेले भी लड़ाई लड़ रही है, जिस तरह से अभी 139th
स्थापना दिवस था कांग्रेस का, नागपुर में जिस तरह से राहुल गांधी ने हुंकार भर दी है तो एक अलग लाइन कांग्रेस की चल रही है। लेकिन हाहाकार तब मच जाता है जब नीतीश कुमार एक तो जेडीयू के अध्यक्ष पद को संभालते हैं, ललन सिंह इस्तीफा दे देते हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह जो है वो अब जेडीयू से आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या नीतीश बाबू कोई बड़ा खेला करने वाले हैं, इंडिया गठबंधन में रहेंगे या खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा? देखो ऐसा है काजोल कि मैंने पहले भी कहा था कि इस गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है। आपने जब ये लास्ट मीटिंग इनकी हुई थी आई इंडिया गठबंधन की, जहाँ नीतीश कुमार की उम्मीद थी कि उनके बागडोर उनके हाथ में सौंप दी जाएगी और वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी उनको घोषित कर दिया जाए, वो हुआ नहीं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही दांवपेच कर रही है। इधर आपने सपा को देखा होगा, सपा के भी बयानबाजी अब सामने आ रही है। मैं अखिलेश जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, बाइट्स देख रहा था, मतलब बेसिकली तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस ने जो किया वो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का प्रयोग किया, लोगों को जेल भेजा, आज बीजेपी भी वही कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गठबंधन के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि हम जिसके साथ हैं वो भी ऑलरेडी ये सब काम करती थी, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस एजेंडे को लेकर हम चल रहे थे कांग्रेस हमारा एजेंडा चुरा रही है। तो आप जब इतनी बड़े बयानबाजी कर रहे हैं, आपको समझ में आता है कि आप, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ रही है सब। यही बात मैं पहले जो कहता था कि सबको इनको मज़े लेने के लिए देखना चाहिए, मज़े लेने के लिए सुनना चाहिए। राजनीति में ये जो नेता हैं गठबंधन के, इनका, इनके लिए मैं सही कहूँ तो ठग्गू के लड्डू के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कानपुर के ठग्गू के लड्डू, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो ये वही है कि ये सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। आपको मैं थोड़ा सा जैसे नीतीश कुमार के बारे में बता दूं, नीतीश कुमार का लालू कैसे काटना चाहते थे कि भाई नीतीश कुमार चले जाए लोकसभा की तरफ और अपने बेटे को बना दे वो मुख्यमंत्री, ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खटक गई कि भैया यहाँ तो मैं पीएम बनने वाला नहीं हूँ और दूसरी तरफ से गद्दी जाएगी मेरी यहाँ से, तो ये सब पार्टी भी जाएगी ललन सिंह को, ललन सिंह की नजदीकियां उनको। अरे नीतीश कुमार का व्यवहार आपने देखा हो, जिसको उन्होंने अध्यक्ष बनाया उसके साथ उनकी दूरियां बनी ही बनी है। तो ये एक तरह से बोलिए कि नीतीश कुमार की उस सीट पे श्राप है जिसके साथ भी वो रहे। और इधर से उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ से मुझे गठबंधन ने तो मुझे कुछ सांत्वना दी नहीं कि तुम अगुवाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर यहाँ से मेरी गद्दी जाते हुए नजर आ रही। तो आपको आपको बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पलटते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, जब आपने कहा था जब से इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स हो रही थी, आपने कहा था कि दिसंबर होते होते ना गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा, आपने एक भविष्यवाणी कर दी थी, तो क्या मैं ये मान लूं कि वो भविष्यवाणी अब सच हो रही है? देखिए भविष्यवाणी, देखो आपने भविष्यवाणी का नाम लिया, मैं इसको कैलकुलेशन बोलता हूँ। मैं शुरू से इस कैलकुलेशन में था कि मैं जितने शुरू से कहता था जितने ये पोस्टर में जितने गठबंधन के लोग हैं सारे प्रधानमंत्री हैं, और सबको प्रधानमंत्री बनना है तो ये तभी पूरा हो सकता है जब 3-3 महीने के लिए ये लोग प्रधानमंत्री के लिए आपस में साइन कर लें एग्रीमेंट कि भाई 3 महीने तुम रहो 3 महीने, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और जब इनके विचार आज नहीं मिल रहे हैं या इनके विचार विधानसभा को लेकर नहीं मिले तो आप देश को लेकर कैसे समझ सकते हैं? देश में इनके विचार मिल ही नहीं सकते, अन्ना देश का इस कारण भला हो सकता है। ये सब के सब अपने ऊपर से आरोप जो इन पे लग चुके हैं भ्रष्टाचार के, ये सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से वो हम बच जाएं, क्योंकि जेल जाना तो तय है। जेल जाना कोई गरीबों का या उनका काम नहीं है कि गरीबों को ही जेल भेजा जाएगा, इन नेताओं को जेल भेजना चाहिए। ये उसी से डरे हुए हैं आज की डेट में। ये गठबंधन डर की गठबंधन है, ये गठबंधन देश को जोड़ने के लिए नहीं है। ये इनको समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, डर के मारे एक साइड हुए हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि चाणक्य ने कहा है कि अगर आप सब अपोजिशन एक तरफ हो रहा है तो इसका मतलब आपका राजा ईमानदार है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी मतलब जो कुछ करते हैं वो सब सही करते हैं, जो करता है, देखो जो करता है एरोगेंस तो हल्की फुल्की आ ही जाती है, ये बात मैं शुरू से कहता हुआ हूँ, एरोगेंस आती है, जो करता है थोड़ा सा होता है। घर का हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे पिताजी भी हमारे लिए करते तो बोलते हैं अरे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो पिताजी की डांट सहनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप नरेंद्र मोदी को पिताजी मान के चले, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ वो करते हैं तो आज देश का नक्शा बदला है। मेरी आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी, देश का नक्शा आज बदला है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। आप ये मान के चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आज पूरा देश कनेक्ट हो चुका है,
कहाँ बॉम्बे, आपने कभी सोचा था कि बाय रोड आप बॉम्बे जा पाएंगे? अब ये नहीं, आप यहाँ से देहरादून जाने के लिए आपको 9 घंटे लगते थे, आज आप 3.5 घंटे में पहुंचे, आने वाले समय में 2.5 घंटे का वो है। तो इसी प्रकार से आप NH-24, हमारे ऑफिस के बगल में NH-24 है, आप सोचिए कि मेरठ जाने के लिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ता था कि यार मेरठ जाना है, आज सोचने की ज़रूरत नहीं, जब मर्जी मेरठ से आप आ जाइए लंच करने, ब्रेकफास्ट करने, जो भी का आपको करना हो। तो ये बदलाव है देश के अंदर, तो ये बदलाव अगर है तो अच्छे के लिए, और बाकी पार्टियों को लड़ने दो यार, क्या दिक्कत है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और साल जाते जाते क्योंकि इन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बात हुई है, यही ट्रेंडिंग मुद्दे हैं और इसी पर हमने मुद्दा देश का के खास एपिसोड में बात की है। अगले साल फिर लौटेंगे और उस वक्त जो देश में हो रहा होगा उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो साल जाते जाते आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएँ, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी देश भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, नववर्ष अपने घर पर मनाएं, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में फॉग है, तो अपने आप को जोखिम में न डालें, और एडवांस में सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।